देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। गलती कर दी तुमने। जो तुम्हारे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, इतनी तो अकल होनी चाहिए ना। इस घर के बेटे होने के नाते तुम्हें इसके बारे में एक बार भी पूछने का मन नहीं किया क्या? मेरे पिताजी ने आज तक जो कुछ किया है उन सब का कुछ कारण होता है। आज तक कभी उन्होंने ऐसे ही कुछ तय नहीं किया है। छोड़ो ये सब, जब भी प्यार की बात होती है ना, ये पापा लोग ना विलेन बनकर खड़े हो जाते हैं। मेरे मनमोहन नाटक में भी ऐसे ही होता था, पापा ही विलन होता है। हीरो हीरोइन दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन उन दोनों को पापा लोग अलग कर देते हैं। सारे पापा ऐसे ही होते हैं। कई पिताजी बुरे होते होंगे लेकिन सारे पिताजी बुरे नहीं होते। लेकिन तुम्हारे पापा तो बुरे हैं। अब इस पर और बात करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही अपने पापा की बातें मानकर अपनी बहन की जिंदगी खराब मत करो। देखो हम दोनों उनकी शादी करा देते हैं। भैया भाभी के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है ना। मैं तो भाई हूँ लेकिन तुम भाभी नहीं हो। फिलहाल मान लो ना। नहीं शैलू, जरूरी नहीं है जो सोचते हैं वैसा हो। और कई बार जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है, जो नहीं सोचते वो भी हो जाता है। देखो जीरो, मेरी बात तुम मानो, हम दोनों मिलकर उनकी शादी करा देते हैं। बहुत पुण्य का काम है ये। इसकी वजह से हम दोनों का रिश्ता भी मजबूत हो जाएगा, है ना? हमारे रिश्ते को मजबूत क्यों करना है? हम दोनों वैसे भी अलग होने वाले हैं, याद रहे। दिग्विजय, मैंने तुम्हारे घर पर गरुड़ दिग्बंधन डाल दिया है। गरुड़ लोक वाले कोई भी तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। कृष्णा, तुम्हारे ऐसा करने से घर वाले परेशान तो नहीं होंगे? नहीं, तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को कोई परेशानी नहीं होगी। बस तुम्हारी बेटी घर के बाहर जाने ना पाए, इस विषय के बारे में ध्यान रहे। बढ़िया, दुश्मन से मुक्ति मिल जाएगी, इतना काफी है। मेरी बेटी इस घर से बाहर ना निकले, इस बात की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। रीना को बताना होगा कि चाचा जी को मेरे बारे में पता चल गया है। रीना को पता चल गया तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके घर वालों को नहीं पता चलना चाहिए, नहीं तो वो लोग हमारी शादी नहीं होने देंगे। ये कैसी माया है? दिग्विजय के घर के अंदर मैं जा क्यों नहीं पा रहा? कुछ भी करके रीना को यहां से ले जाना होगा। तो मैं घर में ना घुस पाऊं इस वजह से दिग्बंधन डाला है, इसे मैं पार कैसे करूं? नागमणि, महाशक्ति, दिग्विजय के घर पे ना होने के कारण रीना की कोई बात नहीं सुनेगा। घर पर दिग्बंधन डाला हुआ है, इस वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। दिग्विजय के लौटने पर ही सारी समस्याओं का समाधान होगा। महाशक्ति, कृपा करके मुझे दिग्विजय के पास ले जाइए, मुझे मार्गदर्शित कीजिए महाशक्ति।
दिग्विजय तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन नागमणि मुझे उनके घर ले आई है। कहीं दिग्विजय यहीं कहीं तो नहीं है। ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब धनंजय ही दिग्विजय है? भाभी मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं हूं ना, डरो मत। चलो अच्छा चुपचाप चलो, कोई नहीं है। मैं हूं ना। अरे सुजाता तुम यहाँ? अब इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो तुम? हाँ और आप इस वक्त कहाँ जा रही हो? जॉगिंग के लिए जा रही हो? अरे जॉगिंग के लिए नहीं, रनिंग के लिए जा रहे हैं। मतलब हम भागेंगे। कहाँ? सुजाता मैं रीना को घर से भगाकर उसके बॉयफ्रेंड से शादी करवाना चाहती हूँ, इसलिए भगा रही हूँ। अच्छा मजाक करती हैं आप, अच्छी आर्टिस्ट हैं आप। हाँ क्या कहा, एक बार और कहना तो। आपसे बढ़िया आर्टिस्ट कोई नहीं है। थैंक यू थैंक यू। अब बाय बोलो रीना। बाय बाय। दिग्विजय अपना रूप बदल कर क्यों आया, और उसके साथ आई तृष्णा और दक्षायणी वो दोनों कौन हैं? कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा था कि मैं तुम्हें खो दूंगी। मैं बहुत डर गई थी अजीत। ए, ए, दूर हटो। हेलो बॉस, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को भगाकर मैं लेकर आई हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर लग नहीं रहा कि तुम्हें खुशी हुई है। डर रहे हो कि कहीं मुसीबत ना खड़ी हो जाए? अरे बिल्कुल भी मत डरो, इसे ले जाके धूमधाम से शादी कर लो, और फिर एक दो साल में बच्चे के किलकारी सुनाई दे तो हो गया, वो सुनकर तो घर वाले शांत हो ही जाएंगे। समझ गए ना? चलो चलो अब निकलो। हाँ लेकिन मेरी बात तो सुनो। अब कहने सुनने के लिए वक्त नहीं है बॉस, डरो मत, यहाँ से जाओ। अगर चाचा जी को पता चल गया ना तो हो गया काम, वो तुम्हारे पीछे और तुम्हें पकड़ लिया तो। इसलिए मैं तो कहती हूँ यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। देखिए मैं घर पे सबको सच बताना चाहता हूँ। ओह सच बताओगे? सच बोलोगे ना तो मारे जाओगे तुम। उनके घर की लड़की को भगाने के लिए तुम उन्हीं की परमिशन मांगोगे? ए चलो चलो निकलो यहाँ से। लेकिन वो अपग्रेड हो जा भाई, प्यार करने वाली लड़की अगर मिल जाए तो पीछे देखे बिना नॉनस्टॉप भागते रहना चाहिए। समझ गए ना? अपना स्कोर बढ़ाने का यही अच्छा मौका है। अगर मैं इन दोनों की शादी करवा दूँ तो सारे वोट्स मुझे ही मिलेंगे, तब तो ट्रॉफी भी मेरी, वाह मजा आ जाएगा। देखो आज सुबह होते ही तुम्हारी शादी होगी, और तुम्हारी शादी मैं खुद ही करवाऊंगी, ठीक है? और जितना भी खर्चा होगा ना वो सब मैं देख लूंगी, और तब घर वालों को पता चल भी जाए तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना? चलो निकलो यहाँ से, जाओ जाओ जल्दी, चलो जाओ। रीना रीना रीना, क्या हुआ माँ, इतनी घबराई क्यों हो? घबराऊंगी ही ना, वो कहीं दिख नहीं रही। कौन और कौन? तेरी प्यारी बहन रीना। वो कहाँ जाएगी माँ, यहीं कहीं होगी। रीना 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 कहाँ हो रीना? पिताजी हाँ, रीना को आपने कहीं देखा है क्या? नहीं बेटा, पूरा घर देख लिया लेकिन रीना भी नहीं मिली और शिवानी भी नहीं है। ओ पंकु, शैलू ने कहा था कि नाटक की एक छोटी सी परफॉर्मेंस होगी, अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे हो गई? हमें बिना बताए कुछ किया है उसने, अब हम सब की बैंड बजने वाली है, देखना। इस घर में इतने सारे लोग हैं फिर भी वो छुप कर कैसे निकल गई? क्यों वो दोनों क्यों सबसे छुप कर बाहर जाएंगी? दोनों किसी काम से बाहर गई होंगी, इस बात का सब इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं?
त्रिशूल, अगर ऐसे ही जाना होता तो वो हमारा कॉल तो कम से कम पिक करती ना। सुनो, एक बार शिवानी को कॉल करो ना। ठीक है माँ, मैं करता हूँ। ये रिसीव क्यों नहीं कर रही है? हे भगवान, कहाँ गई ये लड़की? अब क्या करूँ मैं? सुनो पंकू, अगर इन सब ने मिलकर मारा तो मेकअप खराब होगा, विग हाथ में आ जाएगा, और साथ ही साथ जो कुटाई होगी वो अलग। माँ, वो जल्दी घर आ जाएंगी, आप चिंता मत कीजिए। चिंता कैसे ना करे त्रिशूल, हमें कल ही उसके प्यार के बारे में पता चला। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? हमारी रीना घर छोड़कर भाग गई है? इसके अलावा और क्या हो सकता है, ऐसी उम्र में ऐसी ही गलतियां होती हैं। उसे लगता है कि वो सही है लेकिन बाकी लोग गलत हैं और पूरी दुनिया उसके प्यार के खिलाफ है। एक बार ये प्यार का वायरस अगर शरीर में घुस जाए तब सगे संबंधी, माँ बाप, सब कुछ पूरी तरह से डिलीट कर देता है। और आखिर में क्या बचता है? वो फालतू सा प्यार, बकवास। चलो, इस घर में इतने सारे लोग हैं, उसके बावजूद किसी को पता ही नहीं चला। कहीं ये तो नहीं है कि घर में किसी को उसकी चिंता है ही नहीं? सुबह मुझे थोड़ा सा शक हुआ था मालिक। कैसा शक? सुबह सुबह शिवानी मालकिन और रीना दीदी कहीं जा रहे थे। पूछने पर शिवानी मालकिन ने कहा कि इसकी शादी करवाने जा रही हूँ। बात तूने पहले क्यों नहीं बताई? मालिक, मुझे लगा वो मजाक कर रही है। चल निकल यहाँ से। अब क्या कहोगे? हाँ? अब क्या कहोगे? जवाब दो मुझे, मुझे जवाब चाहिए। धनंजय, ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? हमारी शिवानी कभी भी ऐसा नहीं करेगी। माँ, आपको इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? नहीं 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 नहीं, मेरी शिवानी ऐसा नहीं कर सकती। वो कर चुकी है। तुम्हारी शिवानी ऐसा नहीं कर सकती थी, लेकिन ये शिवानी ऐसा कर सकती है। देखिए, फोन करो उसे। अरे फोन करो उसे। मेरी बेटी से जिसने प्यार किया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और जिसके कारण ये सब कुछ हुआ है उसे तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। नहीं बचेंगे दोनों। तुम दोनों ना यहीं बैठे रहो, बैठकर बातें करो, मैं जाकर हार, सिंदूर, मंगलसूत्र सब लेकर आती हूँ, ठीक है ना? भाभी, थैंक यू भाभी। थैंक यू सो मच भाभी। अब तुम दोनों बैठकर अपने भविष्य के बारे में बातें करो, ठीक है? अजीत, सिर्फ बात ही करना, ठीक है ना? बंधु, दिग्विजय को रास्ता दिखाओ। दिग्विजय, ये मार्ग बंधु तुम्हें रास्ता दिखाएगा। ये मुझे रास्ता दिखाएगा, लेकिन मेरी बेटी के साथ जो है उसे सही रास्ता दिखाना है तो तुम दोनों को मेरे साथ चलना होगा। ठीक है। Oh,
शैलू, यहाँ क्या कर रही हो तुम? रीना कहाँ है? शैलू, मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ, रीना कहाँ है? रीना? कौन रीना? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी बहन रीना। ओह ओह, अच्छा अच्छा, रीना तुम्हारी बहन का कैरेक्टर। मुझे क्या पता वो कहाँ पर होगी। घर से तुम दोनों साथ में निकले थे तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि वो कहाँ है। जीरो, वो क्या है ना कि वो जिद करने लगे कि वॉकिंग के लिए जाना है, तो मैंने सोचा कि बेचारी इतना पूछ रही है इसलिए मैं उसके साथ आ गई, लेकिन वॉक करते करते उसने अचानक रनिंग शुरू कर दी और मैं, ये शैलू इतनी आसानी से छोड़ने वाली थोड़ी ना है, मैंने भी उसके पीछे पीछे रनिंग स्टार्ट कर दी। मैं उसका पीछा करती रही और फिर उसे पकड़ने ही वाली थी कि तभी वो अजीत वहाँ आ गया और उसे लेकर भाग गया। मैं ठहरी अकेली और वो दो, मैं उन्हें ओवरटेक कैसे करती बताओ, और फिर मैं रास्ता भी भटक गई। अच्छा ठीक है, ये बताओ दोनों कहाँ गए? वो दोनों? कौन दोनों? अजीत और रीना। हाँ, वो पहाड़ के उस पार भागकर उस पार चले गए। पहाड़ के उस पार? हाँ। चलो चलो चलते हैं। अरे अरे, कहाँ? पहाड़ के उस पार। हाँ? नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। भाभी बहुत अच्छी है अजीत, वो कुछ भी करके घर वालों को मना लेंगी। उसके बाद मुझे लगता है कि घर वाले हमारी शादी करवा देंगे। पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो मेरी शादी के लिए कभी मना नहीं करेंगे। रीना, हमारी रुकावट तुम्हारे पापा ही हैं। ये क्या कह रहे हो अजीत? पापा को अभी हमारे प्यार के बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हारे पापा को हमारे प्यार के बारे में पता है, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पापा आखिर हैं कौन। ये सब क्या कह रहे हो अजीत? बहुत सारी बातें बतानी है तुम्हें, और कुछ सच तो तुम्हें जरूर बताना होगा। अजीत, ये सब क्या है? ये मार्ग बंधु कीड़े हैं, हमारा पता लगाने के लिए किसी ने इनका प्रयोग किया है। किसने? मैंने। तुम्हें लगा तुम यहाँ आओगे और मुझे पता नहीं चलेगा? पृथ्वी का हर कोना हमारे लिए बहुत पास है। रीना, तुम्हारा इससे शादी करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये इंसान नहीं है, गरुड़ है। इसने मुझे पहले ही बताया था, फिर भी शादी मैं इसी से करूंगी। अच्छा, बहुत आगे निकल चुकी हो तुम, इतना आगे कि अब तुम्हारा लौटना मुश्किल है। अब क्या करूं मैं? इस रास्ते से आए हो, वापस चले जाओ। खाली हाथ वापस लौटना मेरी कुंडली में है ही नहीं। कृष्णा, तुम चलो, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? अरे यार, कितने बेकार इंसान हो तुम। तुम प्यार करके शादी कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी बहन नहीं कर सकती क्या? तुम्हें तो खुद उनके साथ खड़े होकर उनकी शादी करवा के आशीर्वाद देना चाहिए, समझे ना? हाँ, मैं आशीर्वाद दे देता, लेकिन ऐसे भाग के शादी करने वालों का साथ मैं नहीं दूंगा। घर वालों के साथ बात करके उन्हें मना कर अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लेंगे, तब वो खुश रह पाएंगे ना। अरे ये मुमकिन नहीं है, इसलिए तो दोनों भाग गए। वो दोनों मिले तो सही, फिर उनसे बात करूंगा। चलो शैलो। रीना, रीना कहाँ हो? रीना, रीना, अजीत, रीना। अरे यार,
आगे रास्ता है ही नहीं, डेड एंड है। रीना, अजित, जहां भी हो आ जाओ, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लो, सुनो मेरी बात, जहां भी हो आ जाओ, मैं खुद तुम्हारी शादी करवाऊंगा, जहां भी हो बाहर आओ, रीना अजित मेरे सामने आओ। अब मुझे शक हो रहा है। क्या 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 सच में वो दोनों यहाँ आए थे? यहाँ कैसे आ सकते हैं? अरे जीरो, वो प्यार करने वाले तो सूली पर चढ़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, तो फिर ये पहाड़ क्या चीजें पार कर लिया होगा। रीना, ए जीरो, अरे रे शैलू, जीरो, परेशान क्यों कर रहे हैं? आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? असुर गुरु शुक्राचार्य विरचिता। ये क्या हो रहा है? अजीत, क्या हुआ तुम्हें? चाचा जी, ये लोग कौन हैं? ये जिन्हें तुम चाचा कह रही हो वो धनंजय नहीं है और ये औरत उनकी पत्नी नहीं है और ये उनके भाई की बेटी भी नहीं है। सच कहूं तो ये सब के सब झूठे हैं। ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं रीना। ए, मुंह बंद कर अपना। तुमने मेरा शरीर जकड़ा है, मेरा मुंह नहीं। रीना, तुम कहती थी ना कि तुम्हारे पापा की तुम जान हो, ये वही है, यही है तुम्हारे पापा, धनंजय के रूप में छिपे दिग्विजय। ए, चुप हो जा, चुप हो जा, नहीं तो मैं तुझे। सब कुछ सामने आ गया है, अब चुप रहने का कोई फायदा नहीं दिग्विजय। रीना, ये तुम्हारे कोई अपने नहीं है बल्कि गलत इरादे से आए हुए तांत्रिक हैं। शेरू, मुझे ऊपर खींचो। चलो चलो, हाथ दो, ऊपर आने की कोशिश करो। शैलू, अरे भगवान, अरे बाप रे, अरे जीरो, मुझसे नहीं हो रहा, मैं किसी को लेकर आती, तुम यहीं पर लटके रहो। हाँ हाँ, मैं आती हूँ। भोलेनाथ, सब सब कुछ ही गलत हो गया है। वो दोनों जीव अब मृत्यु के द्वार पर खड़े हैं मंजुनाथ। तो क्या फिर ये विधि का विधान है? बताइए, ये कैसा न्याय है महादेव? भोलेनाथ, ओम ज्वाला मालिनीय नमः, रुंड मालिनीय नमः, ओम तामस शक्तिये नमः, महाभयंकर रूपनीय नमः, ज्वाला मालिनीय महामाये, नागमणि की खोज की मुक्ति चाहता हूँ। रास्ता दिखाओ माँ, रास्ता दिखाओ, नागमणि के स्थान पर मुझे लेके चलो। रास्ता दिखाओ, रास्ता दिखाओ माँ, रास्ता दिखाओ। मेरा मार्गदर्शन करो हे शक्ति, नागमणि के स्थान पर मुझे लेके चलो। कहीं इसने अजीत और रीना को कहीं छुपाकर
मुझे गुमराह तो नहीं किया है? मैं ऊपर नहीं आ पा रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ? समझ नहीं आ रहा है, कोई दिख भी नहीं रहा है, अब क्या करूँ? मुझे खुद ही यहाँ से निकलना होगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा अजीत। यकीन करना ही पड़ेगा, ये बहुत ही दुष्ट है। तुम्हारे भाई त्रिविक्रम को मारने वाला यही है। तुम्हारी भाभी को मारने की इसने बहुत कोशिश की, तुम सब इसे बहुत बड़ा इंसान समझते हो ना, पर ये एक पापी है। अजीत जो बोल रहे हैं वो सच है क्या? इतना कुछ जान गई हो तुम, अब तुम्हारा जीने का क्या फायदा? हाँ, मैं ही तेरा असली बाप हूं, दिग्विजय। मतलब त्रिविक्रम भैया को मारने वाले आप हैं? मेरा बेटा है त्रिशूल, ना कि त्रिविक्रम, समझे? तो फिर इतने सालों तक त्रिविक्रम भैया और मैं आपके बच्चे बनकर रहे, उसका कुछ नहीं? वो जीने के काबिल नहीं था, इसलिए उसे मार दिया अपने इन्हीं हाथों से। पापा, मैं आपको भगवान मानती थी, लेकिन आज आपका ये रूप देखकर मुझे अपने पे शर्म आ रही है। नहीं, ऐसी बातें तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देती, क्योंकि तुम अभी भी बच्ची हो। और ये मैंने किसके लिए किया? अपने परिवार के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। नागमणि को पाने के लोभ में नागराज को मारा तुम लोगों ने, नागिनी को मारने की हजारों कोशिशें की। ए! काट डालूंगा तुझे। अपने पापा के साथ ऐसा करेगी? आज मुझे आपको पापा कहने में शर्म आ रही है। ए, दुष्ट गरुड़, तूने हमारे घर की शांति और सुख को खत्म करके रख दिया है। देख, मैंने जो कुछ भी गलत किया हो, लेकिन वो मेरे परिवार की भलाई के लिए था, यानी मैं सही हूं। लेकिन ये सब बातें तूने मेरी बेटी को बताई और इसे तूने मुझसे दूर कर दिया। देखिए, मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं है, हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए, हम दोनों कहीं दूर जाके जी लेंगे। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम दोनों को एक साथ रहने नहीं दूंगा मैं, क्योंकि शादी से पहले तुम्हें और मुझे दूर करने वाला आगे कुछ भी कर सकता है। अब इससे पहले ये कुछ कर पाए, मुझे कुछ करना ही होगा, यानी मुझे इसे मारना ही होगा। तू जिंदा नहीं रह सकता। जिंदा हूँ, अजीत को मारने नहीं दूंगी। मेरे बीच में मत आओ, दूर हटो। नहीं, दूर हटो कहा मैंने? नहीं, नहीं। तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? तुम्हारा तंत्र और इनका मंत्र
सिर्फ यहाँ पृथ्वी पर ही चल सकता है, मुझ जैसे गरुण पर नहीं। कृष्णा, दक्षायणी, अरे कोई मंत्र तो फूको, वरना ये गरुड़ हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। जब तक वो मनुष्य रूप में ना आ जाए, हम कुछ नहीं कर सकते दिग्विजय। इसे मनुष्य के रूप में कैसे बदलना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। माता ना, भाग जाओ, जाओ। मैं जानता था अगर प्यार मुसीबत में आ जाए तो हार माननी ही पड़ती है। समाप्त होगा, सारे प्रश्नों के उत्तर आज ही मिलेंगे। एक बार नागमणि मुझे मिल जाए तो दुनिया में सबसे शक्तिशाली तांत्रिक बन जाऊंगा। नागमणि अद्भुत, अमोघ, मेरे इतने सालों की तपस्या का फल मुझे मिल गया। नागमणि का मेरे हाथ में आने का समय आ ही गया। मोहमणि मेरी होने का समय आ गया। 14 लोकों की मुकुट मणि का मेरा होने का समय आ ही गया। लेकिन अभी यह सही समय नहीं। नागमणि मेरी होने के लिए अमृत काल होना चाहिए। कितनी बार तुझे मना किया मैंने, उसके बावजूद तूने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जान बचाने के लिए
मुझे तुझे मारना पड़ा बच्ची, इसके लिए कितने सपने संजोए थे मैंने। लेकिन इस गरुड़ की मरी हुई बेटी की कुंडली देखने से हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। बताओ आगे क्या करना होगा। क्या वो भी मैं ही बताऊंगा तुम्हें? मेरी बेटियां लाश बन के पड़ी हुई है और इसकी मौत का कारण वो गरुड़ यहां से भाग गया। वो है हमारा शत्रु, आगे जाकर उसे खतरा जरूर होगा। किसी भी कारण वो बच कर जाना नहीं चाहिए था, उसे मारना ही होगा। देखो चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें पता लगाना होगा कि वो कहां है। अरे मेरे मुंह क्या देख रही हो तुम लोग? जितनी देर करेंगे मुसीबत बढ़ती जाएगी। सारी शक्ति हम इस पर ऐसे प्रयोग नहीं कर सकते दिग्विजय। वो मनुष्य नहीं गरुड़ है। मंत्र तंत्र विद्याओं में निपुण है ये गरुड़। उसे हराने के लिए गरुड़ आगमन विद्या का प्रयोग करना होगा दिग्विजय। इसमें समय लगेगा। नहीं, इसके लिए वक्त नहीं है, ये इसी वक्त होना चाहिए। मेरी बेटी को मुझे मारने के लिए मजबूर करने वाला वो गरुड़ मेरे हाथों में होना चाहिए। सामने तुम्हें मार डाला करीना, फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाया। लेकिन तुमने मुझे बचाया अजीत, तुमने उसे क्यों नहीं बचाया? रीना, रीना, पता नहीं त्रिशूल वहां से कहां चला गया। बाप रे, ये हार और मंगलसूत्र लाते लाते मेरी जान ही निकल गई। लेकिन जो भी हो मैं ये शादी करवा के ही रहूंगी और स्कोर बढ़ाऊंगी। ट्रॉफी तो मेरी होगी। अब ये दोनों कहाँ चले गए? यहीं बैठने को कहा था मैंने। रीना, अजीत, रीना, अजीत, री ये यहाँ क्यों बैठी हुई है? रीना, अजीत कहाँ चला गया? रीना, रीना उठो ना। रीना, ये क्या हो गया? रीना, रीना बात करो मुझसे, क्या हुआ? रीना, अरे किसने किया ये तुम्हारे साथ? रीना, अजीत कहाँ है? रीना, अरे ये तो मर गई है। अरे
क्या करूं मैं? पता नहीं किसने इसके साथ ऐसा किया। हे भगवान, ये कैसी गलती हो गई मुझसे? इन दोनों की शादी करवाकर स्कोर बढ़ाने के चक्कर में तो इसकी बेचारे की जान ही चली गई। रीना, रीना, ये हार इसकी शादी के लिए लाई थी, लेकिन अब ये क्या हो गया? अजीत, अजीत कहाँ चला गया? अजीत, अजीत कहाँ चला गया ये? अजीत, अजीत?